उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा मेरी दुआ रहती है कि आप जहाँ कहीं भी हों, खुश रहें, आबाद रहें। और व्यूअर, मैं आज पेठे का हलवा बनाने लगी हूँ, जो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आपको पसंद आने वाली है। बहुत ही मज़े की, आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। मैं देसी घी डालने लगी हूँ, तकरीबन मैं 1 कप डालूँ। वैसे कोई इलायची का पाउडर डालते हैं, लेकिन मैं 7 इलायचियाँ डालूँगी तकरीबन। ये मैंने 8 तकरीबन डाल दी हैं इलायचियाँ। आपको तो हम अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे, और जब ये स्वेल हो जाएंगे तो हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने हलवा तैयार किया है। पेठे का हलवा बनाने लगे, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। यानी कि इसके हमने ये पीस जो है तैयार कर लिया है, तो अच्छे तरीके से ये देखें, अच्छे तरीके से गले हुए हाथ के साथ ही जो है वो मैश हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तकरीबन देखें कि मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है, तो गला हुआ था तो ये गल जाए तो इसको मुश्किल कोई नहीं होता मैश करना। तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप जो है वो शुगर डालूंगी। पेठेगा वो रेडी हो गया, हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको दिल करे तो आप डालें, वरना ना डालें बेशक। हमें पसंद है कलरफुल, तो ये मैंने डाल दिया है। इसमें थोड़ा जो है वो कुछ स्पाइसेस हैं वो डालेंगे हम। ये मैंने बादाम ले लिए तकरीबन 2 से 3 टीस्पून। ये छुहारे मैंने लिए हैं, ये आधे मैं डालूंगी, आधे मैं गार्निश के लिए रखूंगी। ये पिस्ता है, ये भी मैं आधे डालूंगी, आधे मैं गार्निश के लिए रखूंगी। और ये मैंने कोकोनट लिया, इसको मैंने बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिए, तो इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। इसको ये रेडी हो गया, अब इसको डिश आउट करते हैं। बस हमें इतना ही चाहिए था, तो इसको ठंडा करके खाएं या आप वैसे इसको गर्म भी इस्तेमाल करें तो बहुत मज़ेदार होता है, और ठंडा भी होता है, ये मैदे के लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी ये गर्मियों के खास स्वाद है। इसका सालन भी बनाया जाता है, इसमें सूजी वगैरह या बेसन वगैरह भी डाला जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि मैंने साफ सुथरा और बस इसी का ही बनाया, पेठे का ही बनाया, इसमें मैंने कोई फालतू चीज़ जो है वो शामिल नहीं की है। तो आइए फ्रेंड, इसको अब डिशोर्ट करते हैं। अगर इसमें आप थोड़ा सा खोया शामिल कर देंगे, मुझे जवाब नहीं था ये शामिल करते हैं। ये दूध में भी पका के आप डाल सकते हैं, और वैसे भी आप इसको ग्रेट करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन ही मिक्स हो जाएगा।
माशाल्लाह हलवा हमारा तैयार हो गया, तो उसको जो है वो गार्निश करेंगे थोड़ा सा। कोकोनट डाल देंगे इसमें, कोकोनट मैंने थोड़ी मोटी मोटी काट ली थी और कुछ मैंने बहुत बारीक की है। तो इधर माशाल्लाह रेसिपी हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की, और एक तो वेदर के हिसाब से भी बहुत मज़े की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, जो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर नई बार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें, आपके लिए भी दुआ होगी, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।